नमस्ते दोस्तों। तो आज हम फिर से करने वाले हैं दो कार्स की कंपेयर, और आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि आज हम करने वाले दोस्तों जो नई वाली स्विफ्ट आई है, जी हाँ दोस्तों 2024 से रिसेंटली जो लॉन्च हुई है एक महीने के आसपास, उस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं। और दूसरी गाड़ी होने वाली हमारी टाटा नैनो इलेक्ट्रिक। अब ये कंपेयर आप बोलोगे कि भाई सेट नहीं कर रहा, अब सेट ऐसे नहीं वैसे नहीं कैसे नहीं करेगा, वो अभी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, इस कंपेयर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें लुक के मामले में, तो लुक के मामले में आपको स्विफ्ट ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने को मिल जाएगा। और नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर भी दोस्तों करना चाहिए था फेस लिफ्टिंग, जो कि नहीं किया गया, कंपनी ने नहीं किया। और बहुत भाई लोगों को अगर नहीं पता तो लोग ये बोलेंगे कि भाई नैनो इलेक्ट्रिक तो अभी आया नहीं है, तो आप इसका रिव्यू या फिर नैनो इलेक्ट्रिक कैसे ला करके आप सेल करने की बात कर रहे हो। तो उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, जी हाँ नैनो इलेक्ट्रिक नहीं आई है, कंपनी की तरफ से कोई अभी नोटिफिकेशन कुछ नहीं आई है। हालांकि आने वाली है, लेकिन दोस्तों जो टाटा कंपनी है ना, उन्होंने अपनी पुरानी वाली नैनो को दोस्तों इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया है। और जो न्यू नाम है, न्यू नाम की एक कंपनी है, उसको फ्रेंचाइजी से रखी है टाटा कंपनी, जिस कारण से उस गाड़ी को यूज़ किया गया इलेक्ट्रिक में, और इलेक्ट्रिक में बन के आ भी रही है। जिनको लेना ले सकते हैं, और हाँ जिनके पास पुरानी वाली नैनो है वो भी अपनी गाड़ी को सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंपनी में देना है, देन जो आपको 1 लाख का डिस्काउंट है वो मिल जाने वाला है जो नई वाली आप इलेक्ट्रिक लेंगे उसके ऊपर। तो इसके बारे में सारा कुछ आपको डिटेल पता चल ही गया होगा। और नई वाली स्विफ्ट के बारे में मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली अभी लॉन्च हुई है और आपको एडवर्टीजमेंट मिली गई होगी इस गाड़ी की। काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, लुक के मामले में तो A1 लगती ही लगती है। साथ ही साथ इसका इंजन भी आपको थोड़ा अलग देखने को मिलने वाला है पहले वाले स्विफ्ट के मुकाबले। चलिए सबसे पहले इंजन के साथ ही शुरुआत करते हैं। तो एवरेज की बात करते हैं दोस्तों, आपकी जो स्विफ्ट है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, वो आपको सीटी एवरेज निकाल के दे देगी वही 20-21। और हाईवे पर बात करें तो हाईवे पर आपको बहुत आराम से 27-28 निकाल के दे देने वाली है। वही बात करें दोस्तों अपनी टाटा नैनो इलेक्ट्रिक की एवरेज के बारे में, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उसमें 20-21 का एवरेज तो मैं आपको बता नहीं सकता, उसमें डायरेक्टली आपको मैं बताऊंगा दोस्तों चार्जिंग टाइमिंग और एवरेज। तो दोस्तों आपको कंपनी की तरफ से उसमें चार्जिंग टाइमिंग देखने को मिल जाता है 7 से 7.5 घंटा का, जी हाँ जो आपकी नैनो इलेक्ट्रिक है वो 7 से 7.5 घंटा चार्ज लगाना पड़ेगा, देन जो आपकी जो गाड़ी है फुल चार्ज हो जाने वाली है। साथ ही साथ फुल चार्ज पे एवरेज की बात करते हैं दोस्तों, आपको 140 किलोमीटर का एवरेज देखने को मिल जाता है एक फुल चार्ज में, मतलब एक फुल चार्ज करें और 140 किलोमीटर गाड़ी को आप बहुत आराम से चला सकते हैं। साथ ही साथ इंजन कैपेसिटी की बात करें तो आपको 1197 सीसी का स्विफ्ट के अंदर इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंजन है दोस्तों, काफ़ी पावरफुल इंजन है। वैसे कितना पावर है उस पर भी अभी हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो पहले की तरह ही आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एवरेज निकाल के गाड़ी दे देती है। साथ ही साथ बात करें अपनी नैनो इलेक्ट्रिक की, तो दोस्तों नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर कोई भी आपको इंजन कैपेसिटी में सीसी या फिर सिलेंडर का रोल नहीं होता, उसका इंजन क्योंकि बिल्कुल अलग हो जाता है, सो ये मैटर नहीं करता। उसमें दोस्तों क्या आता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों उसमें आपको बैटरी वोल्टेज होता है वो आपको देखना रहता है, और बैटरी कैपेसिटी देखनी रहती है। तो नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर आपको 17 kWh का बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, जो कि गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और बैटरी वोल्टेज की बात करें तो 48 वोल्ट आपको बैटरी उसमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और बात करें मैक्सिमम पावर की, तो जो आपकी दोस्तों स्विफ्ट है उसके अंदर मैक्सिमम पावर 80.46 bhp का देखने को मिल जाएगा 5700 rpm पे। और टॉर्क की बात करें तो टॉर्क आपको 111.7 Nm का देखने को मिल जाएगा 4300 rpm पे। वही बात करें अपनी नैनो इलेक्ट्रिक की, तो दोस्तों नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर है आपको 27 bhp का देखने को मिल जाता है, और टॉर्क की बात करें तो आपको 68 यानी 68 Nm का देखने को मिल जाता है। अब कहीं ना कहीं आप लोग ये भी कमेंट करोगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, वो जो गाड़ी है इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मतलब नैनो जो इलेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है और काफ़ी छोटी गाड़ी है, और स्विफ्ट कहीं ना कहीं उसके मुकाबले थोड़ी सी बड़ी आ जाती है, जिस कारण से थोड़ा कम भी आपको पावर देखने को मिला होगा, लेकिन गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और इतना पावर उसके लिए एवरेज है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और बात करें सीटिंग कैपेसिटी की, तो दोस्तों आपको स्विफ्ट के अंदर 5 लोगों का सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, जी हाँ 5 लोगों को आप स्विफ्ट के अंदर बहुत ही आराम से बैठा सकते हैं बिना कोई परेशानी के। वहीं बात करें अपनी नैनो इलेक्ट्रिक की, तो नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4 ही लोगों को बैठा सकते हैं। वैसे तो इंडिया जनाब यहाँ तो लोग 8-10 लोगों को बैठा देते हैं, तो इसमें तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबली बैठाना चाहते हैं तो वही नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर 4 लोग और स्विफ्ट के अंदर 5 लोग आप बहुत आराम से बैठा सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों ट्रांसमिशन टाइप की, तो ऑटोमेटिक गियर आपको दोनों मिल जाती हैं, जो नैनो इलेक्ट्रिक है उसमें तो मैनुअल का आने का कोई चांस ही नहीं बनता, मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ही मिलेंगी, क्योंकि जितनी भी ईवी कार्स आ रही हैं दोस्तों सारी की सारी आपको ऑटोमेटिक ही देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन वही बात करें दोस्तों अपनी स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट में आपको मैनुअल भी अवेलेबल मिल जाता है और ऑटोमेटिक भी अवेलेबल मिल जाता है, डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। और दोस्तों जो नैनो इलेक्ट्रिक है उसके अंदर आपको एक स्पोर्ट्स मोड का भी फीचर्स मिल जाता है ऑटोमेटिक में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
और साथ ही साथ बात करें दोस्तों गाड़ी का बूट स्पेस की, तो स्विफ्ट के अंदर आपको 265 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि पहले के स्विफ्ट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और वहीं बात करें अपनी नैनो इलेक्ट्रिक की, तो नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर आपको 180 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। साथ ही साथ फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है स्विफ्ट के अंदर, लेकिन नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर फ्यूल तो है नहीं, तो फ्यूल टैंक का कोई सीन भी नहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ बॉडी टाइप की बात करें तो दोनों की दोनों गाड़ी हैचबैक में आती है, जी हाँ दोनों गाड़ी हैचबैक में मिल जाएंगी। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको दोस्तों स्विफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm का देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है नैनो के मुकाबले, क्योंकि नैनो के अंदर आपको 180 mm का देखने को मिल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक के कुछ और फीचर्स, जो कि आपको अभी नहीं बताया था। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक के अंदर मोटर यूज़ किया गया इंडक्शन मोटर, और वहीं बात करें बैटरी टाइप की तो लिथियम आयन आपको इसमें बैटरी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों रियर ड्राइव की, तो रियर ड्राइव आपको रियर व्हील ड्राइव जो है ना वो आपको दोनों की दोनों गाड़ी देखने को मिल जाती हैं। साथ में एक्सलरेशन की बात करें तो 0 to 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो आपकी टाटा नैनो इलेक्ट्रिक है वो सिर्फ और सिर्फ 5.8 सेकंड में तय कर लेती है। वहीं बात करें दोस्तों अपने नैनो वहीं बात करें अपनी स्विफ्ट की, तो दोस्तों सिर्फ 0 to 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड सिर्फ और सिर्फ 7.5 सेकंड में चली जाती है। तो स्पीड दोनों की गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि दोनों गाड़ी में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी जो गाड़ी वो बेटर होने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों अगर आपको फीचर्स स्टाइल लुक सब कुछ चाहिए, और आप कहीं बाहर बाहर जाते हैं लंबा टूर करते हैं, तो आप आंख बंद करके स्विफ्ट ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट गाड़ी है। वो अलग बात है कि बिल्ड क्वालिटी में अभी भी स्विफ्ट में कुछ खास सुधार नहीं किया गया, जो एयर बैग्स दी गई हैं बस वही आपको मिलने वाली है, बाकी आपको कुछ भी वैसा सेफ्टी नहीं मिलने वाला है। और वैसे सेफ्टी में अगर आप सोच रहे होंगे कि नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर ना आपको एयर बैग्स मिलने वाला एक भी, और बिल्ड क्वालिटी जो पहले का लोहा आता था टाटा का वही लोहा अभी भी आपको देखने को मिलने वाला, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड देखने को नहीं मिलने वाला। और फीचर्स के मामले में दोस्तों गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं डाला गया, उल्टा पहले के जो टॉप मॉडल में फीचर्स आती थी ना वो भी कुछ फीचर्स छीन ली गई है। और नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर आपको एक चीज़ बहुत घटिया भी देखने को मिलता है कि उसका जो चार्जिंग पॉट है वो भी आपको आगे ही दिया गया, जैसे कि पेट्रोल डलाने में दिक्कत होती थी वैसे ही चार्जिंग करने में भी दिक्कत होगी, आपको बोनट ओपन करके गाड़ी को चार्ज लगाना पड़ेगा। तो ये सब परेशानी है नैनो इलेक्ट्रिक लेने में। चलिए बात कर लेते हैं दोनों गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों तो जो आपका नया वाला स्विफ्ट है ना उसका दोस्तों प्राइस स्टार्ट हो जाता है 6,49,000 से, जी हाँ 6,49,000 से इसका एक शोरूम प्राइस है। और एंड प्राइस की बात करें तो 9,64,000 तक देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें दोस्तों अपनी नैनो इलेक्ट्रिक की, तो नैनो इलेक्ट्रिक भी 4,00,000 से स्टार्ट हो जाता है, और एंड प्राइस इस गाड़ी का आपको 6,00,000 तक देखने को मिल जाएगा। तो दोनों गाड़ी की आपको प्राइस पता चली गई होगी, अब आप देख लीजिए कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मेरी अगर ओपिनियन माने तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कुछ देर पहले कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप बिल्कुल आप चले जाइए स्विफ्ट के लिए, और सिटी के सिर्फ और सिर्फ आपका सिटी उसके लिए गाड़ी चाहिए ना, तो आँख बंद करके आप स्विफ्ट ले लीजिए, आँख बंद करके आप नैनो इलेक्ट्रिक ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूल में आपको काफ़ी ज़्यादा बचत होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।